नगर निगम भिलाई आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में निगम का बुलडोजर ओम शांति चौक पहुंचा, जहां अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के नेतृत्व में तोड़फोड़ दस्ता एवं सहायक राजस्व अधिकारियों की टीम ने अवैध कब्जे पर कार्यवाही। शुक्रवार को 20 स्थानों से अतिक्रमण हटाए गए। वहीं बारंबार निर्देश देने के बाद भी पुनः दुकान लगाने वाले ठेले को नष्ट नाबूद कर दिया गया। ओम शांति चौक के पास सड़क पर मलबा बिखेरने वाले दुकानदार से 15,000 रुपए लिया गया। ओम शांति चौक से कालीबाड़ी की ओर सड़क बाधा कर मलबा फैलाने वाले दुकानदार से भी 5,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस प्रकार से सड़क बाधा करने वालों से कुल 20,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। ओम शांति चौक के करीब कुछ लोग अवैध रूप से बांस बल्ली की सहायता से दुकान संचालित कर रहे थे तथा सड़क किनारे ही ठेला लगाकर व्यवसाय कर रहे थे। निगम ने कई बार इन्हें समझाइश दे रखी थी, परंतु अवैध रूप से ठेला लगाने वाले बाज नहीं आ रहे थे। उनके ठेलों को भी ध्वस्त करते हुए जब्ती की कार्रवाई की गई। इधर ओम शांति चौक से कालीबाड़ी चौक तक अवैध दुकानें तथा ठेलों को हटाने की भी कार्रवाई निगम द्वारा की गई। शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने की दिशा में भी अवैध रूप से लगाए गए दुकानों एवं ठेलों को हटाना आवश्यक हो गया था, जिसके चलते निगम प्रशासन ने अभियान के तहत ऐसे अतिक्रमण को हटाने का अभियान चला रखा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।